कब से फोन कर रही हूँ, मैं फोन नहीं उठा रहे हो। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? बढ़िया है ना, मजे में है ना? आई होप आप सब मजे में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 11 मार्च, फ्राइडे का दिन है और मैं बस अपने सारे घर की सफाई करके नहा करके आई हूँ और अभी मुझे खाना पीना भी बनाना है। और ये देखिए, आज सो के थोड़ा देर से जगे थे, जब मैं सफाई कर रही थी तो ये सो के नहीं जगे थे, सो रहे थे। तो मैंने इनसे बोला था जब आप जगो तो बेड सही कर देना, बिस्तर वगैरह। और इन्होंने चादर देखो कैसे सही करके बिछाई है, ऐसी लटक रही है, तो मैं इसको दबा करके सही कर दे रही हूँ। और ये तांशु का बैग, यूनिफॉर्म सब मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है क्योंकि आज ये स्कूल जाएंगे, इनका एग्ज़ाम है। और अभी मैं किचन में आके खाने की तैयारी में लग गई हूँ। खाने में मैं आज गोभी के कोफ्ते बना रही हूँ क्योंकि उस दिन मैंने जब दम आलू बनाए थे ना, तब से तांशु को इतने पसंद आए हैं दम आलू। रोज़ कहते रहते हैं दम आलू बनाओ दम आलू बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज गोभी के कोफ्ते बना देते हैं। और इसके लिए गोभी के फूल को मैंने काट कर वॉश करके ये अदरक कसने वाली से बारीक बारीक कस लिया है, घिस लिया है। और इसमें मैंने मिलाया थोड़ा सा बेसन, मिलाया है 1 कप के लगभग बेसन है, वो ऐड कर लिया है इसमें। और नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब मिक्स करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और अभी कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है और जब तक ये ऑयल गरम हो रहा है तब तक मैं इस बैटर के गोल गोल लड्डू से टाइप के बना ले रही हूँ, फिर इनको इस ऑयल में फ्राई करेंगे। और आज मुझे इस सब्ज़ी को बनाने के लिए डेली के टाइम से आधा घंटे पहले जगना पड़ा है क्योंकि इस टाइप की सब्ज़ी के लिए टाइम चाहिए और मेरे पास सुबह टाइम ही नहीं होता है, स्कूल जाने की जल्दी होती है, सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं। और ये लीजिए, गोभी के कोफ्ते भी अच्छे से सिक गए हैं, एकदम ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी। और अब मैं मिक्सी में ही टमाटर और पीस ले रही हूँ, साथ में थोड़े से काजू भी ऐड कर दिए हैं थोड़ा सा ग्रेवी को और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि मैं ये गोभी के शाही कोफ्ते बना रही हूँ और प्याज मैंने पहले ही पीस ली थी। और कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने अलग कैन में निकाल दिया है। और थोड़े से ऑयल में मैंने ये खड़े मसाले, तेज़पत्ता और लौंग और दालचीनी डाली है और फिर जीरा डाला है। उसके बाद मैं इसमें पिसी हुई प्याज अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ और फिर इसमें हल्दी ऐड करके जो टमाटर और काजू का पेस्ट है वो भी मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद मेरे पास ये थोड़ी सी मलाई रखी थी ताज़े दूध की, तो ये भी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है, थोड़ी सी बचा ली है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। और मैंने इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। और अभी आपको ना ग्रेवी पतली लग रही होगी लेकिन ये पतली रहेगी नहीं क्योंकि ये गोभी के कोफ्ते हैं, ये भी थोड़ा बहुत पानी सोखेंगे। और मैं ना इसमें जल्दी जल्दी की वजह से नमक डालना तो भूल ही गई और मैंने अब बाद में इसमें नमक ऐड किया है। और अभी ये गोभी के कोफ्ते बनकर तैयार हैं, अब रोटियाँ भी सेक लेते हैं। वैसे मैं इनके और अपने लिए तो रोटियां ही सेकती हूँ लंच के लिए, लेकिन तांशु के लिए दो पराठे सेक देती हूँ क्योंकि इसके स्कूल में वैसा फास्ट फूड तो ला नहीं सकते, मैम उसकी मना करती हैं, यही बोलती हैं कि पराठे रखा करो सब्जी के साथ, हेल्दी फूड होता है। और तो इसलिए मैं वही पैक करती हूँ, रोटियाँ अच्छी नहीं लगती तो इसलिए पराठे रखती हूँ सब्जी के साथ। और हमारे बेटे जी कितने समझदार हो गए, अपने आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है क्योंकि उन्हें पता है मम्मा के पास बहुत काम रहता है और बस स्वेटर नहीं पहन पा रहे थे तो वो मैंने पहना दिया है उन्हें। और अभी हम लोग तैयार होकर के निकल रहे हैं स्कूल के लिए और आप लोगों से मिलते हैं स्कूल से आकर के। और अभी मैं स्कूल से घर आ गई हूँ और स्कूल का मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि अभी स्कूल में एग्जाम टाइम चल रहा है, तो स्कूल में जाते ही फोन सबमिट हो जाता है, फिर तो सीधे छुट्टी के टाइम पर ही मिलता है। तांशु उधर खड़े हुए हो, मैं कब से फोन कर रही हूँ, मैं फोन नहीं उठा रहे हो। फोन यार ऊपर रखा हुआ था, पानी बोतल ले रहे थे। और 2-3 बार फोन बिजी भी आया, मैंने चलो कर रहे होंगे कर रहे होंगे। बिजी? और क्या, 2 बार फोन बिजी भी गया आपका। बिजी तो तू नहीं, आई बात तो आके छाड़े भाई। नहीं करे हमें तो बिजी क्या रखे, उसके पढ़ा रहे हो। हम तो बोतल लेने आए थे पानी की। यूनिफॉर्म भी नहीं उतारे तांशु अभी तक। अरे क्या तांशु, छुट्टी हो गई। अरे नहीं, 14 को फिर जाना है, 14 को इसका एक एग्जाम रह गया था ना 28 का, तो वो देना है इसे। क्या करेगा, रह गया था कोई। चल तांशु यूनिफॉर्म उतारो, अभी 14 को पहननी है। तो कहाँ तार से हाथ लग रहे हो, चलो जल्दी चलो।
लाइट ही खोली था अंशु, लाइट तो खोल लेते, अंधेरा पड़ा है। चलो सामान सब फैला, अब कौन फोन कर रहा अभी, अब देखो मुझे फोन करने लगा। चलो छोड़ो बंद करो, कॉल कट करो। और ये जो हमारी लैंडलॉर्ड अम्मा जी हैं, उनकी ये गैलरी है बाहर, जिस गेट से हम निकलते हैं ना उसी के ये आगे थोड़ी सी गैलरी है। तो ये गैलरी से ना ये केबल जा रही है बिजली की, और ये थोड़ी लंबी है ना, तो अम्मा ने ऊपर ये इधर ये पाइप सा लगा हुआ है दीवार के सहारे, उसमें जो है अंटे लगवा दी थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी और ये दीवार के सहारे कील के सहारे से रोक रखी थी। तो बंदर क्या है, यहाँ पर बंदर बहुत है ना, तो और बंदर इस केबल पर लटक कर झूला झूल करके कील को गिरा देते हैं और ये उखड़ जाती, केबल नीचे लटक जाती है। तो अभी इसको ना कील को अच्छे से मजबूत गाड़ दे रहे हैं सीमेंट वगैरह लगा करके, जिससे कि अगर बंदर इस पर लटकेंगे ना तो ये केबल नीचे नहीं आएगी। और अभी ट्यूशन्स का बच्चा आ गया है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अभी स्कूल से आके उसे मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए थे और फेस वॉश नहीं किया था, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, फेस पे चिपचिपाहट सी हो रही थी, तो अभी फेस वॉश कर लिया मैंने। और ये देखो हमारे तांशु ऐसे ही स्कूल यूनिफॉर्म में अभी तक घूम रहे हैं, इनको अभी जब तक हम टी शर्ट नहीं पहनेंगे तब तक ये पहनेंगे नहीं। और अभी इस बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी जो दो आते थे उनके एग्ज़ाम हो गए हैं, तो वो अभी अपना थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये अपना अभी लर्न करने में लगा हुआ है, जो लर्न करेगा फिर मैं सुन लूँगी, बस इतना ही काम है। और अभी ये तांशु के पापा को सामान लाने गए हैं मार्केट, क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है, तो कुछ बनाना है मुझे, गुजिया मटली वगैरह बनेगा, तो उसी के लिए सामान मंगाया है। तो जब तक ये अभी सामान लेकर के आ रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों से बात कर ले रही हूँ। एक्चुअली मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से मेरी वीडियो पे कुछ नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि पागल औरत है, जब देखो ओवर एक्टिंग करती रहती है, कुछ नहीं आता इसको, और ओवर एक्टिंग क्या होती है ओवर एक्टिंग। अगर मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नया कर रही हूँ तो इसे ओवर एक्टिंग नहीं कहते, मैं जो भी कर रही हूँ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए करती हूँ, और जो ओरिजिनल है वही आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसा तो नहीं मैं कुछ बढ़ चढ़ के दिखा रही हूँ, जो है ओरिजिनल जो मेरी लाइफ में होता है वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखिए मैं जो है स्कूल भी करती हूँ, सारा काम अकेले करती हूँ, यहाँ मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों ही इस घर को संभालते हैं, घर का भी करती हूँ, सुबह सारा घर का काम करके स्कूल जाती हूँ, बच्चे का भी सारा काम है, उसकी भी देख रेख है, उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना, ये भी सब मुझे देखना होता है, फिर स्कूल अपनी जॉब भी है मुझे, वो भी देखनी होती है, फिर जॉब से आकर के घर पे फिर दोबारा से काम करने पड़ते हैं, और फिर मैं साथ में YouTube चैनल भी चला रही हूँ, तो थोड़ी बहुत तो देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो आप मेरी प्रॉब्लम को समझें, बट इस तरीके के कमेंट करके किसी को हर्ट मत कीजिए। देखिए सारे मैं सभी के लिए बात कर रही हूँ, सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, सभी यूट्यूबर्स के लिए बात कर रही हूँ। देखिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सब अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, प्लीज किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, बल्कि उनकी मेहनत को समझें। तो बस यही कहना चाहूंगी। और हाँ, इसके साथ ही जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन सभी को मेरी तरफ से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलेंगे फिर आप लोगों से एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।